कितनी कृपा करी है उसने, जरा विचार करिए। सारे बगीचे के फूल लगे हैं, उसमें से एक फूल आपने चुना है। दुनिया के लोग कहते हैं कथा में जाने वाले पगले होते, जिनमें अकल नहीं होती वही सत्संग में जाके बैठते। लोग कहते हैं आप रोज मंदिर जाओगे ना तो लोग ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे, जल्दी सती साबित करके। आप रोज भगवान की भक्ति में डूबोगे ना, रोज रोज अगर वर्णन किया जाए, रोज रोज अगर कोई उपाय बताया। देखो फिर आ गया पत्र राम जी, पत्र भी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भेजते हो ना तो लगता है। श्रीमती लक्ष्मी कौस्ती, नील कंठी वर्णी फ्लैट, रामजी मंदिर रोड, रानी, अहमदाबाद गुजरात से आए। कहीं हैं? अहमदाबाद गुजरात से आए। बैठे हो तो जरा हाथ उठाएं जिन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है गुरुजी, अहमदाबाद गुजरात से जो आए। मैंने सोमवार की स्कीम का प्रयोग करा था जिसमें 31 मूंग 31 बेलपत्र वाला उपाय करा था अष्टमी का। तारीख थी 10/1/2022। इस पत्र में लिखा जा रहा सुबह 10 बजे में मंदिर में पहुंचकर जैसा आपने उपाय बताया था शिव महापुराण में, वैसा की वैसा ही उपाय मैंने किया और बाबा से जो कामना कह कर आई थी घर वापिस आई। उसके 2 घंटे के बाद मेरा काम हो गया। यह अहमदाबाद गुजरात से पत्र है। जिसने लिखा हो अगर वो बैठे हो तो हाथ जरा हिला देना, ठीक है। श्रीमती लक्ष्मी कौस्ती, नीलकंठी वर्णी फ्लैट, रामजी मंदिर रोड, रानी, अहमदाबाद गुजरात। अब भक्ति में बल देखिए। माया आपको नचा देती, भक्ति ने किसको नचा दिया? जम के बोलिए जरा, भगवान। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, आपका जो विल पावर है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। आप में जो बल है भगवान की भक्ति करने में उसको तोड़ने का दुनिया के लोग प्रयास करेंगे। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा के इस हॉल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है दुनिया चाहे कितना भी आपका आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास कर ले पर हमारा विश्वास हमारा शंभु हमारा शंकर होना चाहिए, टूटेगा नहीं तो वो भी नाचे। अगर विश्वास नहीं टूटा ना तो परमात्मा को नाचना पड़ेगा, भगवान भी नाचे। तुम कब नाचते हो? जब तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। माया को पकड़ने के चक्कर में तुम अपने विश्वास को तोड़ देती हो, तब तुम्हें नाचना पड़ता है। थोड़े समय का सुख मिल जाता है, सुख मिलने के बाद फिर तुम्हें नाचना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने भगवान की भक्ति और अविरल भक्ति को धारण कर लिया, ये मत सोचना कि हमने एक बार पशुपति व्रत करा या हमने एक बार उपाय करा और हमारा काम नहीं हुआ तो हम दूसरी बार नहीं करेंगे, फिर दूसरी जगह चले गए, मार्ग भटक लिया तुमने, कहीं इधर उधर ना जाने कहां दूसरे धर्म की ओर तुम चले गए, तो ये भटकना छोड़ दो। एक जगह खड्डा जम के खोदो, एक जगह बोरिंग जम के लगवा लो। अगर 100 फीट पे नहीं निकलेगा तो 200 पे निकलेगा, 200 पे निकलेगा 300 पे निकलेगा, 300 पे निकलेगा 400 पे निकलेगा, 400 पे निकलेगा 500 पे निकलेगा, और यही 500 फीट तुमने सोया खोदा सोमा खोदा सोमा खोदा पानी कहीं निकला, तो एक जगह दम से तो खुदाई करो। एक विश्वास के साथ जब हम परमात्मा की भक्ति को धारण करते हैं, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान की भक्ति को धारण करते हैं तो परमात्मा क्यों ना सुख देगा। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया, डमरू वाले तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। माना कि मैं पापी हूं, माना कि हम पतित हैं, माना हम पतित हैं,
पर पतित पावन तेरो नाम ओ शंभु त्रिपुरा। माना हम पतित हैं। अरे भैया संसार में जितने जन्म लिए हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो चाहे तुम हो, कोई ऐसा नहीं है संसार में कोई जिसने जन्म लिया है कोयले की कोठरी में जन्मे हैं अपन, कोयले की कोठरी। कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं मोह व्यक्ति के जीवन में थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है। अब कितना कितना बचने का प्रयास करोगे सर? वो गाने गीत में लोगों ने गाया ना, कोई कितना भी जतन करे, कितना भी जतन करे पर काजल को दाग लागे ही। अब कितना ही प्रयास करो, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, कहीं मोह, कहीं माया, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास करती है। परशु महापुराण की कथा बहुत सुंदर कहते हैं, अगर कोयले की कोठरी में कोयले का दाग लगता है तो उसके लिए भी आज के समय में एक सुंदर पूरा कपड़ा बना दिया गया। जैसे वो कोरोना बीमारी में देखा था तुम लोगों ने, जिसको कोरोना हो जाए तो उसको उठाने वाला जो व्यक्ति होता था वो क्या करता था, पूरी जैकेट पहनता था, पूरे कपड़े पहनता था, हाथ में ग्लव्स, पांव में मोजा, ये वो, और पूरा ढका हुआ नहीं, इधर मुंडा में कांच दिखे, बाकी का सर ढका ढुकाया और कहीं नहीं दिखे, और पसीने में भले नहा लिया हो, और जब गया और उसने फिर उठाया तो उसको कोरोना लगा? अरे जमके तो बोलो नहीं लगा। ऐसे ना जाने कितना ले जा ले जाके उन्होंने बेचारों ने शमशान में जला दिया, सेवादारों ने सेवा करी, पर उन्होंने उठाया, कपड़ा पहन लिया और फिर वो कहीं पे भी जा। इसी तरह कोयले की कोठरी में जाने के लिए भी एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को धारण कर कर अगर चले गए तो दाग कपड़े पे लग जाएगा पर तुम्हारे तन पर नहीं लग पाएगा। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि संसार में रहने का भी एक कपड़ा है शिव महापुराण की कथा, जिसने पहन ली वो फिर दाग लग ही नहीं सकता। कपड़े तो पहनो अच्छे जोरदार, ये कितना चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, जैकेट पहनो है? अरे वो फ्लाइट में भी रखते हैं एक जैकेट कि मान लो ऊंचा नीचा हो जाए तो बेचारी वो फ्लाइट में भी भाई पूरा इशारा कर करके बताती है। वो फ्लाइट में भी बेचारी भाई बहुत इशारा करके बताएगी, फिर पुस्तिका भी उठाए जैसे महाराज उठाए। सही है कि गलत है? वो भी के कि समय आए जब इस जैकेट का प्रयोग करना, कब जम के बोले जरा समय आया। और कहीं कहीं का तो ऐसा चतुर होता है कि उनका नियम तो पहन के बैठ जा, जैकेट डरी है तो हम पहने पर नहीं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मंत्र माला कब प्रयोग करना, कहाँ प्रयोग करना, कहाँ पर बैठकर करना, कैसे करना, उसका भी एक समय होता है। भगवान का भजन कहाँ करना, उसका भी एक समय होता है। मंदिर में कब जाकर पूजन करना, उसका भी एक समय होता है। कब स्नान करना, उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, पर सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए, शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं, परंतु कई इतनी चतुर रहती है कि डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा, तो एक बार पोछा ही लगाया, पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी काम में लग गई तो ऐसी लगी बेचारी, सांस भी कह रही बेटा एक बार नहा ले कुछ खा ले, नहा ले कुछ खा ले, सांस भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले, नहीं मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा, नहीं ये तो जो अकड़ में पड़ी नहीं धोई जाए ना, झाड़ू लगाए जाए ना, लगाए जाए लगाए जाए, जब सासू कुछ कह देती ना तब बहू ने ऐसी फोटो तो करती मन में जा लगा, वो लगाना पड़ी उन्हें झाड़ू ने, फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने में सारा झड़ा ही दिया,
इनंग उनंग का सब जगह का सारा जाला जड़ाई दिया। सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तेरे दिमाग का जड़ी ले। वो भी सोच बोले सब बोले कहाँ दीवाल का जाला जड़ा रही थी दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा। और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगाई बेटा बहू ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी अभी तक जगी नहीं बेटा रात भर से बेचैनी हो रही थी रात भर से हमारे बेचैनी है। बोली बोली दी बस आज लूंगी तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती को धूपबत्ती को भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो भले दिन भर फिर काम करो भले शाम को फिर नहा लेना मना नहीं है पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है भले वो पूजन करने वाली हो भले वो भजन करने वाली। और कुमारी अवस्था की भी माताओं से निवेदन है कुमारी अवस्था में रहने वाली जो बेटियां हैं जो विवाह के लायक हैं उनसे भी कहेंगे बेटा काम करो मना नहीं है पर पहले सुबह का एक बार स्नान जरूर करो इसके बाद फिर भले शाम को काम करने के बाद अगर कपड़े गंदे हो जाए मुखादि गंदा हो जाए फिर नहा लेना मना नहीं पर एक बार का सुबह का स्नान बहुत जरूरी है बहुत जरूरी। जो बेटियां दोपहर का स्नान मध्यान्ह होने के बाद भले कुंवारी हैं शादी नहीं हुई अगर करती हैं तो उनको भी जहां वो ब्याह कर जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन परिवार का खटर खटर या किसी ना किसी रूप में पति पत्नी का क्लेश या पारिवारिक क्लेश को झेलना पड़ता है। और जितनी बेटियां हैं कथा को सुनना और ध्यान लगाकर देखना कि तुमने कुमारी अवस्था में कहीं दोपहर के बाद स्नान तो नहीं करा और ससुराल में टेंशन चल रहा है तो उसका कारण तुम समझना कि तुम अच्छी हो तुम्हारे परिवार वालों ने लड़का भी अच्छा देखा फोन पे बात भी अच्छी करी उसने आटा डंडा करी बापड़ा ने चार छह बार तो मिलने आ गया वो घुमा के भी लाया गुपचुप भी खिलाया पानी पता सा मीन चाउमीन भी खिलाया सब खिलाया फिर ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि एक डेढ़ साल तो अच्छे रहे उसके बाद तो क्लेश 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 तो सास ही फोन करती थी ससुरा भी बोलता था सब प्रेम से बोलते देवरानी जेठानी सब इतने अच्छे से बोलते थे अब क्या हुआ उसका कारण बेटियां एकांत में बैठकर सोचना कि कहीं तुमने कुंवारी अवस्था में या अपने ससुराल में कहीं पर भी मध्यान्ह के बाद तो स्नान नहीं करा उसको निकाल कर देखना फिर सोचना हो। और जिनके सौभाग्य में अगर दिक्कत आई है कहीं सौभाग्यता में अगर दिक्कत आई तो वो माताएं भी विचार करें एक बार बैठकर कि कहीं हमने फैला लिया दीपावली का कहीं होली का कहीं इसका कहीं उसका कहीं हमने पापड़ लेके बैठ गए मैं तो जब ही नहाऊंगी जब पूरा हो जाएगा चार बजे तक नहीं नहीं मैं बैठी चल ली पर नहीं नहीं और शाम लाके रोटी भी दे दी वहीं खाली ने हाथ पर धोके फिर पापड़ बेलने बैठी गई और बजा दी तीन चार उसके बाद क्या तो नहाऊंगी और फिर नहाने गई तो विचार करना कि सौभाग्य पर दिक्कत क्यों आई कारण क्या बना बेटियों को तकलीफ क्यों आई उसका कारण हमें ढूंढना कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई कारण क्या था कि तुम क्यों नहीं आए क्या कारण था ऐसा जो तुम नहीं पहुंचे हमें उस कारण को ढूंढना कि हम अच्छे हैं हमारा व्यापार अच्छा है हमारे घर के लोग अच्छे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था सब अच्छे से चल रहा था फिर दुख क्यों आया उसका कारण हमें अपने आप में ढूंढना कोई दूसरा नहीं ढूंढे। और तुम सियोर वाले महाराज जैसे ना जाने कितने महाराज के पास घूमोगे और सबके पास जाकर पूछोगे कि महाराज बताओ महाराज बताओ महाराज बताओ सब बता लेंगे कि तेरे घर में वो नारियल लटका तेरे घर में वो धागा लटका कोई कहेगा कि तेरे को हवा लग गई कोई कहेगा कि तेरी हवाई छूट गई तो ये सब चीजें कहीं मालूम पड़े कि कोई चीज हो रही है कोई ये चीज हो रही है कहीं वो चीज हो रही है तो दुनिया के लोग कहेंगे उसने जादू कर दिया उसने टोना कर दिया उसने ये कर दिया उसको ये हवा लगे उसकी हवा छूट जावे उसकी ये हो जावे उसकी वो हो जावे तो कहीं बंधन छूट रहा है बंधन लग रहा है तो ये सब चीजें दुनिया के लोग तुमको कह सकते हैं पर हम पितृ दोष देख रहे हैं वास्तु दोष देख रहे हैं हमने ग्रह दोष देखा पर पत्रिका में दोष देखा पर हमने अपना दोष देखा क्या कि हमने क्या करा है हम सारे दोष देख रहे हैं और सारी दुनिया में भटकते फिर रहे हैं।
और दुनिया में दोस्त देख रहे हैं, इसलिए ना जाने कितनों के पेट पल रहे हैं, ना जाने कितने लोग तुम्हें दिन रात मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जब टीवी खोलोगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा ये देखेंगे, हम वो देखेंगे। ना जाने दुनिया के लोग केवल तुम्हारे इन दोषों से लोगों के पेट भर रहे हैं अपने आप के, पर तुम अपना दोष नहीं निकाल पा। जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, और जितने इस मंत्रमाला कथा को सुन रहे हो, आप स्वयं अपने दोष को देखना चालू करो, अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दो। अपने आप के दोषों को जब निकालना प्रारंभ करोगे, किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव खुद टूटमान हो जाएगा, कृपा कर देगा, भंडार भर देगा। हमने देखा नहीं है, बस हम तो बस लोगों ने कह दिया तुम्हारे ये दोष है, तुम्हारे वो दोष है, तुम्हारे कर्मों में ये है, तो कर्म का दोष भी तो कटेगा। अंदाजा लगाना, आज आज कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुम्हें अगर तकलीफ है, दुख है, तो विचार करना कि तुमने कभी दोपहर के बाद, मध्याह्न के बाद स्नान करा क्या। विचार करना। एक माताजी का पूजन होता है होली के बाद। कौन सी माताजी है? शीतला माता। क्या लिखा है उसमें? शीतला माता का पूजन शीतल समय में करो। माता जी की किताब में ये लिखा था कि जैसी रोटी सब्जी बना के, वैसे 10 बजे लगा लगाया, 8 बजे भोजन बनाने का, सब घर से चौके से फ्री हो गई। इसके बाद माता जी का प्रसाद बनाना चालू करा। माता जी का प्रसाद बनते 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 बज गई 12, 1 घंटा भोजन ठंडा करा और क्या ठंडे का भोग लगाने चली। जब गर्म की गर्म था, बस केवल 12-1 बजे तक रखा और 2-3 बजे फिर निकल गई कि मंदिर में भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, तो 2-3 बजे रात को जाकर पूजन करिए। कौन से महाराज ने कह दिया कि तुम रात को 2:30-3 बजे माता शीतला का, और कौन सी पुराण में लिखा है कि माता शीतला का पूजन रात को 2-2:30-3 बजे करना चाहिए? केवल भीड़ के चक्कर में तुम रात को 2:30-3 बजे माता शीतला का पूजन करने जा रहे हो। अब कोई रात को 2:30-3 बजे तुम अलमस्ती में, आनंद में, चकाचक होकर अपने घर में विश्राम कर रहे हो, और कोई आपकी बेल बजा दे, कितना जरा मुंह से बोलो तो सारी दमदारी से, ना जाने कहां कहां आ गया, तुम जाओ खोल पति के चले जाओ, कोई तुम ही जाओ, अम्मा से कह दो वो खोले, हम काय को जाए, बोलो सही है कि गलत है। अब तुम आधी रात को शीतला माता से कह रही, माँ माता शीतला हमारे घर में लक्ष्मी दे दीजिए। शीतला जी बोली अगली बार मत आ जा, शीतला माता ही करी, अभी तो आ गई आधी रात के, आ गया इसको सोचो, सुधर जाओ, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करना चालू कर दो। थोड़ा सीओर वाला महाराज बुरा जरूर है, पर प्रयास करूंगा कि भारत की भूमि पर जो गलत काम हो रहे हैं, हमारी पूजन पाठ में हम जो गलतियां कर रहे हैं, हमारे सेवा कर्म में हम जो गलतियां कर रहे हैं, उसको हम अगर सुधारेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर कर चलेगी, नहीं तो लोग 12-12, 1-1 बजे जाकर पूजन करेंगे। हमें सुधारना है, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। लोग तो नियम बना लेगा, हमारी सांस भी 3 बजे करती थी, इसलिए हम तो 3 बजे ही करते, तो हमने पूछा सांस कहाँ गई, तो कहीं ऊपर। अच्छा, अच्छा बताते भी वही लोग हैं जिनकी सांस ऊपर चली गई होती है, क्योंकि ऊपर जाकर कोई पूछ तो सकता ही नहीं, तो बताएंगे क्या? हमारी गलती को हम स्वीकार करें, और हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको हमें सुधारना है। क्या सुधारना है हमको? हमारी गलती। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। हम गलतियां कर रहे हैं साहब, आधी आधी रात को जाकर माता शीतला की पूजन कर रहे हैं। माता शीतला कहती है ब्रह्म मुहूर्त में पूछो मुझे, मैं स्वीकार करूंगी, आपको फल दूंगी, पर भीड़ बढ़ जाती है, लाइन लग जाती है, इतनी भीड़ में हम कैसे जाएं, हम कैसे पूजन करें। इस चक्कर में माताएं भोजन बना के रखकर तैयार होने चली जाती है, जब तक भोजन ठंडा हो जाता है, ठंडा भी कितनी देर का, 2-3 घंटे का ठंडा, पर यहां तो बासी भोजन का वर्णन लिखा, बासोरा। अब कई लोग कहते हैं हम सारी पूजन पाठ करते हैं गुरुजी, हम सारे मंत्र जाप करते हैं, हम सारे जो जो बोलते हो ना वैसा वैसा हम करते भी हैं गुरुजी, और पर हो सकता है हमारी कुछ गलती हो सकता है। अपनी गलती को छाटो ना कि हम गलती क्या कर रहे हैं, हमने गलती क्या करी है, कारण क्या हो रहा है। एक पहले हमारे नमक चुराए पर हमारे हम जहाँ रहते थे सीहोर में नमक चुराए पर, वहाँ छावनी में श्री हनुमान जी की मड़िया थी, अम्मा मंदिर बन गया छोटा सा, पहले मड़िया थी छोटी सी पीपल के पेड़ के नीचे। कभी सीहोर आप घूमने जाएं तो हम आपके साथ चल चलेंगे, दिखा देंगे वो भी।
तो वहां मड़िया थी छोटी सी, तो कोई एक दादाजी आते थे बढ़िया कपड़ा बड़ा सफेद पहन के, और दो अगरबत्ती लेके आते थे और अगरबत्ती जलाई और वो मड़िया के अंदर घुस के और हनुमान जी के बिल्कुल वहीं पास में बैठ के अगरबत्ती हनुमान जी की दोनों आंख, कम से कम 15 से 20 मिनट कोई दर्शन नहीं कर पाए, वो आंख के पास ने, नाक के पास ने, मुंडा के पास हनुमान जी के वो अगरबत्ती अगरबत्ती घुमाए। अब पहले तो छोटे से थे तो ध्यान तो था नहीं, तो मन में सोचते थे परंतु कि क्या पता हनुमान जी भी क्या सोचते होंगे, जब ये आते होंगे तो हनुमान भी सोचते होंगे आग लगा के जाएगा, हनुमान जी पीछे खसक जाते होंगे बेचार, वही अगरबत्ती लेने दो आंख के पास में घुमा। आपसे निवेदन है जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई कई भाइयों की आदत होती है कि जहां स्पीकर बंद हो गया, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखाएगी, ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो, कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पर दिया रख देती है, जला जला। नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल नरियल आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको, जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग पशुपति व्रत का, जो नरियल है भेंट है वो शिवजी को छुआकर नीचे ना इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता, उसका फल बहुत बहुत ध्यान देना पूजन पाठ में, आप स्मरण में, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण पूर्ण मिलेगा, पूजन का फल जब मिलता है तो आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ है। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज, और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तू ही है शंभु तू कैलाश, तू ही है शंभु तू कैलासी, तू ही है शंभु तू कैलासी, द्वार तेरा हे मेरे बाबा कब आना होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा,
हो इतना सुंदर होगा, नाम है तेरा कारण हारा, नाम है तेरा कारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो, हे भोले। जय हो, हर हर भोले। तू ही है शंभो, तू कैलाशी, तू ही है मेरा अविनाशी, तू ही है शंभो, तू कैलाशी, तू ही है मेरा अविनाशी, तू ही है शंभो, तू कैलाशी, तू ही है मेरा अविनाशी, तू ही है शंभो, तू ही है मेरा अविनाशी, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, नाम है तेरा जय हो कारण हारा, नाम है तेरा कारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हर हर महादेव। जय हो, बोले तू डमरूधर तू अविनाशी, तू चराचर का हे इकवासी, तू डमरूधर तू अविनाशी, तू चराचर का हे अविनाशी, तू डमरूधर तू अविनाशी, चराचर का हे तू वासी, तू डमरूधर तू अविनाशी, चरा चर का हे तू वासी, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ओ जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा,
नाम है तेरा जय हो कारण हारा नाम है तेरा कारण हारा अब तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा भोले हे भोले जय हो जय हो सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम है तेरा कारण हारा कब तेरा दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा कितनी सुंदर वो कितना सुंदर हो वो कितना सुंदर हो जहाँ शिवलिंग रखा हुआ हो जलाधारी जो है वो पार्वती जी का रिटर्न बढ़ाओ भाई पार्वती जी का स्थान है और उस जलाधारी पर कोई वस्तु शक्कर ले जाओ या मीठा ले जाओ या आप कोई सामग्री लेकर जा रहे हो तो जलाधारी पर नहीं रखना कहां रखना है आपको उससे दिया कहां लगाना है जलाधारी से भी फूल चढ़ाओ पत्ती चढ़ाओ अक्षत चढ़ाओ मूंग चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी पड़े जो सामग्री आप भगवान की सेवा की चंदन अबीर गुलाल जो लेकर गए हो वो शिवलिंग पर जलाधारी पर सब लगाओ सब चढ़ाओ इत्र भी चढ़ाओ सब समर्पित करो पर उस जलाधारी से थोड़ी दूरी बना कर उससे थोड़ा दूरी बना लें उसके बाद आप रखे मारे थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर रखेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा जैसे रुद्राक्ष की माला पहन लेने वाला व्यक्ति गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या तुलसी की माला पड़ी हुई है पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7 अध्याय नंबर 9 कौन सा पुराण है पद्म पुराण कौन सा खंड है पाताल खंड पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7 और 9 में तुलसी और रुद्राक्ष का वर्णन आता है कि मान लो अगर मनुष्य का शरीर मिला है और आपके जीवन में कोई आपको गुरु ही नहीं मिला कोई अच्छा सदगुरु प्राप्ति नहीं हुआ और आपने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया हो गुरु मंत्र भी अगर धारण नहीं किया हो कई लोग कहते हैं जिसका गुरु मंत्र नहीं होता जो गुरुमुख नहीं होता वो कितना भी दान पुण्य कर ले लगता है क्या जम के बोलो नहीं लगता तो शिव महापुराण में पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें और 9वें अध्याय में लिखा हुआ है मान लो
अगर आपका दान पुण्य आपके खाते में नहीं जा रहा है तो फिर शास्त्र कहता है कि आप गले में रुद्राक्ष पहन लो या तुलसी की माला पहन लीजिए, फिर तो आप जो दान करेंगे वो आपके खाते में जाना प्रारंभ होगा। गले में या तो रुद्राक्ष का एक मनका या माला कुछ भी अगर आपके गले में पड़ी, रुद्राक्ष की एक मनका या एक माला भी आपके गले में पड़ी हुई है, या तुलसी की माला का एक मनका या तुलसी की माला भी आपके गले में पड़ी है, तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा माला। फिर आप जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसका फल आपको मिलेगा, जरूर आपको प्राप्त होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी माला पहनने से क्या होता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, तुलसी की माला हम पहने या रुद्राक्ष की माला पहने लोग क्या कहेंगे, हम नवयुवक बच्चे आज के जमाने के लड़के लड़कियां ऐसे पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई स्कूल तो ऐसे हो गए जहां माला तक कह देते पहनकर मत आना। तब भाई कोई सौभाग्यवती नारी जो होती है ना, मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, कई कई नई फैशन की है तो सिंदूर भी नहीं भरती, कई कई की नई फैशन की है तो बिंदी भी बड़ी सारी नहीं लगाती, वो तो इतनी दिख गई दिखी बस माथा में जैसे जू नहीं दिखेगी, ऐसी बाल पे बिंदी नहीं दिखे हो, इतनी छोटी सी निकाल के इन टीकी कंपनी वालों की भी निछावर कर दो रे कुछ, कम से कम बड़ी टीकी तो बना, इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी है। चलो जाने, मांग से नहीं मालूम पड़ा, टीकी से नहीं मालूम पड़ा, बिछुड़ी से नहीं मालूम पड़ा, चुड़ला से नहीं मालूम पड़ा, पर मालूम काय से पड़ा कि इसकी शादी हो गई तो कि गला में मंगल सूत्र पड़ा हुआ था, उससे पहचान आ गई कि काली पोत पड़ी हुई है, गले में एक सूत्र पड़ा हुआ है, उससे पहचान आ गई कि ये शादीशुदा है, इसका विवाह हो चुका है। विवाह हो जाना मतलब अब ये पति की निगाह में है, ये भले किसी भी मॉल में जाकर सामान खरीदेगी कोई ना कोई सूचना दे ही देगा तो भाभी जी वहां पर सामान खरीद रही थी, हो तो पति की निगाह में है। दुकान पर जाओ तो कैमरे की निगाह में हो, विवाह होने के बाद पति की निगाह में हो, जैसे गले में मंगलसूत्र पड़ जाने के बाद में पति की निगाह में आप रहते हो, उसी तरह गले में रुद्राक्ष पड़ जाने पर शिव की निगाह में आप रहते हो, शंकर की निगाह में हो, शिव की निगाह में। हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे महापुराण की कथा कहती है जो गले में रुद्राक्ष पहनता है या गले में तुलसी की माला धारण करता है इनको पहचान लिया जाता है कि ये कौन सी कंपनी का माल है। सिर का तिलक मरते समय हो सकता है ज्यादा तेज, ऐसा सुना है जिसको अटैक आता है तो उसको पसीना बहुत तेज आ जाता है, तो हो सकता है वो पसीने में भीग गया और ऊपर से यमराज बंदी बनाने आ गए और उन्होंने कहा उठा उसको, तो कि ये तो भक्त है कहां से दिख रही है कि तिलक मिलक तो लगा ही पोज दिया बेचारा किसी ने, तो फिर कहा उठाओ इसको, नहीं नहीं ये भगत है, तो के इसके गले में देखो कौन सी माला पड़ी है, फिर देखा कि इसमें रुद्राक्ष पड़ा है कि तुलसी की माला पड़ी है, गले में माला तुलसी की और रुद्राक्ष की, और जैसे बलब आजकल का जमाना का जो बलब आया ना सीएफएल का ऐसा सफेद वाला लट्टू, नहीं लट्टू तो पहले कहते थे पीला वाला, हाँ वही तो जीजी मैं भूल गया था, एलईडी बल्ब, तो वो बल्ब जो है एलईडी का, तो वो बल्ब है जिस दुकान से खरीद के लाने वो स्केच पेन से वो मार्कर से लिख दे इतनी तारीख को इतनी तारीख तक, और वो बोल भी दे जब ये गड़बड़ हो जाए नहीं इके पहले तो लिया, तो 100 साल का बल्ब तो अपन सब है पैदा हुए दिन से सोच के बैठे 100 साल की उम्र होगी 100 साल की उम्र होगी, पर बल्ब कभी भी गड़बड़ हो जाए नहीं, समझ गए, 70 75 65 55
और कभी कभी तो एकदम डीपी फॉल्ट हो जाने सारा बल्ब एक साथ उड़ जाए जैसे कोरोना उड़ गया, ये भी नहीं कह सकते। कभी कभी तो फॉल्ट हो ही जाए, राइट है। तो अगर बल्ब गड़बड़ करे तो इसको वापिस ले आना, मैं बदल के दे दूंगा। भगवान भी करें कि याद रखना, जैसे बल्ब कंपनी का माल कंपनी में वापिस चले जाता है, दूसरी कंपनी वाला लेगा क्या? बजाज वाला वो कौन सा CFL और दूसरे कंपनी का ले ले, तो ये कंपनी का वो कंपनी में जाए, वो कंपनी का वो कंपनी में जाए, जिस कंपनी का उसी कंपनी का मालिक वापस करेगा और तुम्हें दूसरा बल्ब उसी कंपनी का देगा, उसी कंपनी का देगा। अब जरा विचार करिए, जब कंपनी का बल्ब कंपनी में जाकर बदला जा रहा है, तो आपके गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, अंतिम समय में प्राण छूट रहा है, कोई पास में हो ना हो, राम नाम निकला, कृष्ण नाम निकला, शिव नाम निकला ना निकला, तुमने प्रसाद खाया ना खाया, तुलसी का दल खाया ना खाया, अब किसको मालूम कि मरने वाला तुलसी का दल तोड़ के खा जाएगा? नहीं, हो सकता तुमने प्लानिंग करके रखी हो कि तुलसी का पौधा ही बाजू में लेके चल रहा साथ में, जैसे निपटेंगे वैसे खा लेंगे, तो ना हमको मालूम ना तुमको मालूम कि मरते समय, मरने का समय आ गया तो कोई बोल दे कि हाँ तुम आधे घंटे बाद मरने वाले हो, निपटने वाले हो, तो भी तुम तुलसी नहीं खाओगे। सबसे पहले तो जायदाद छोटे बेटे की थी, बड़ी बेटे की थी, मंजिले की थी, संजले की थी, पत्नी को इतना दे दो, कुटुंब को इतना दे दो, और मालूम पड़े ऊपर से यमराज भी कर, निपटने का समय आ गया, 5 मिनट बचे, बस 2 मिनट बचे, 1 मिनट बचा, इतने में बोला पड़ोसन को ले जा, अभी तुम चला, तो किस कंपनी के हो? मान लो अगर मंत्र जाप नहीं करा, तुलसी का दल भी नहीं मिला, बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं मिला, मान लो कुछ भी नहीं मिला तुमको, गंगा जल भी नहीं मिला, तो एक काम कर जाना, साथ में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, जी बिल्कुल ठिकाना नहीं है मृत्यु का भी। ईमानदारी की बात है, लोग तो यूं ककड़ी भुट्टा की तरह निपटे जा रहे, कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती लोग चलते जाते, कुछ भी हो जाता, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गए, बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही हैं, तो जीवन का कोई ठिकाना अलमस्त तो होकर रही है, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहनकर रखी है, तभी भी प्राण छूटेंगे, यम के दूत बंदी बनाने आएंगे, कंपनी का माल देखेंगे कि कौन सी ब्रांड का है, रुद्राक्ष पड़ा है कैलाश भेज दो, तुलसी पड़ी है बेकुंठ भेज दो, और कुछ नहीं पहना तो यमराज ने कहा न रख ले चलो कबाड़े की दुकान, सब कबाड़ा मिलेगा। हसो मती, जो पहने हैं वो समझ जाएंगे, जो नी पहने रुद्राक्ष और तुलसी ध्यान रख लेना रे, 2 रुपया किलो अब कबाड़े की दुकान पे मिलने वाले हो। शिवरात्रि से नियम बना लेना कि मैं गले में एक रुद्राक्ष गले में नहीं पहनूं तो हाथ में पहनूं, हाथ में नहीं पहनूं तो कानों में पहनूं, कानों में नहीं पहनूं तो कंठ पर पहनूं, पर एक मनका पहनूं, माला नहीं पहनूं तो एक पहनूं, एक तुलसी की माला पहनूं, तुलसी की नहीं मिले तो मनका की पहनूं, पर पहनूंगी जरूर पहनूंगी, ये नियम शिवरात्रि से बना लो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा, अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी कुछ अमानत न होगी, उसका किराया भी देना पड़ेगा, किराया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा, अरे किराए के मकान में रह रहे हो और इतने अभिमान में जी रहे हो, कितना अहंकार, अरे राम जरा जरा सी बात में कह दे, मेरा घर, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी जमीन, मेरा प्लाट, मेरी जायदाद, मेरी काया, कितना अभिमान, और किराए के मकान में रह रहे हो, जब तक सांस दे रहे हो तब तक सांस चल रही है तब तक रह रहे हो, किराया देना बंद, घर से निकाल दिया धक्के मार के, चल चल निकल तोरी जगदम्बा, चल बाहर कौन रखे, और वारे किराए के मकान से भी कितना प्रेम, किराए के मकान में रहते रहते भी और प्रेम कितना,
किराए का मकान की फर्श बेकार हो गए, फर्श बदलवा दिया, जब जाना है तो फर्श बदलने की जरूरत क्या है, छत खराब हो गई टीन बदला दी, छत बदला दी, मकान मालिक ने कहा क्यों तुमने छत क्यों बदली, हमने पैसा लगाया है मकान हमारा हो गया, कैसे हो गया, किराए के मकान में दे रहे हो, किराए के मकान की छत कोई बदलाता है, अरे बोलो तो जम के, पर बदला दी तुमने तो, अब रहते रहते 80 साल हो गए, छत बदला दी, खिड़की दरवाजे बेकार हो गए, खिड़की दरवाजे बदला दिए, और एक दिन आ गया मकान का मालिक निकाल के बाहर कर दिया, ये उसी में का हाल है, फर्श खराब हुआ, पेड़ खराब हो गए, क्रीम लगा लगा के पेड़ से कर लिया फर्श, छत खराब हो गई, महाराज की दुकान कब की हुई, थोड़े बहुत आते नहीं है, ताऊ जी निपट जाते, राम जी करे बड़ा मुश्किल का जीवन है, और इस मुश्किल के जीवन में भी अलमस्त होकर जीना सीखना है तो कुबेरेश्वर धाम से सीखो कि मस्ती क्या होती है, बड़ा मुश्किल का जीवन है, अलमस्त होकर जियो, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा जीवन, महाराज अब छत खराब हुई, छत बदलवा ली, खिड़की गड़बड़ हो गई, तो क्या इनका कांच बदल दो, कांच बदलवा ली, चौखट खराब हो गई, सागौन की दी थी साजड़ की लगवा ली, पूरी चौखट, किसी किसी की तो चौखट दरवाजा ऐसा हो गया निकली भारी आई जाए, एक बार इंदौर की कथा याद आ रही है, पहले भी कथा में कहा, इंदौर में पहले कथा करने जाए तो एक जगह कथा करके आए, कथा करके आए तो अम्मा पर्स में से सामान पर्स था वो भूल गई, अब उसमें भूली की कहीं रख के चली गई, व्यास पीठ पर भगवान जाने सब सामान धर दिया, अब सब सामान रखा, यहाँ से सामान भर के सीओर आया इंदौर से, जैसे इंदौर से सीओर आया, अब बच्चों को तो सामान खोलने की बहुत, तो ये राघव माधव सामान खोले, जो सामान खोले तो उसमें एक डब्बी, और डब्बी में 32 अब राघव चिल्लाते चिल्लाते आए, और राघव जी कहे पापा पिताजी, हमने कहा क्या हुआ, अब क्या पहली बार कोई चीज नहीं आई है, जो देखी तो हमने समिति को फोन लगाया कि आपके कार्यकर्ताओं में से किसी की जो है चौखट यहाँ आ गई है, तो उन्होंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया, हमने कहा 32 की 32 यहीं आ गए, तो क्या कार्यकर्ता तो सब यहीं, हमने कहा 32 ना, अच्छा तो वहां कैसे पहुंच गए, हमने कहा पता नहीं कोई बैन ने चढ़ा दिए होंगे कि महाराज के बुढ़ापे में काम आए, लोग आगे की देख के चलते, अभी आगे की देख के शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी नदर सन आपो, अरे जीवन है मनुष्य का कुछ भी किराए के मकान में दे रहे हो, अरे सारा किराए का मकान तुमने बदल लिया, सब कुछ हो गया, पर मकान मालिक एक दिन आ गया, चलो बाहर निकलो, यमदूत आ गए, चलो आत्मा को निकालने के लिए, रो रहा है, भड़क रहा है, घप रहा है, नैनों से नीर बह रहा है, अब कैसे जाऊं मैं छोड़कर, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा, अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, क्वार्टर का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, कितनी आसक्ति होगी, रहना कुछ दिन है और आसक्ति बहुत है, महाराज गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, गले में तुलसी की माला पहनो, अंतिम समय में कोई तुलसी दल दे ना दे, अंतिम समय में कोई गंगा जल दे ना दे, गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है, गले में अगर एक तुलसी की माला पड़ी है, तो तुम्हारी अंतिम अवस्था तक सुधार देगा, तुमने कोई दान करा तुम्हारे खाते में, तुमने कोई पुण्य करा तुम्हारे खाते में, तुमने कोई सत्कर्म करा तुम्हारे खाते में जाएगा, और अनायास अगर तुमने कुछ वस्तु पाई भोजन करा तो भगवान को भोग लगाए बिना अगर खा गए, तो अगर वो आहार वो भोजन का एक निवाला जब गले में जाएगा, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से टच होकर आहार नली से नीचे जाएगा, तो वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा, फिर तुमने जो पाया भगवान के प्रसाद के अनुकूल हो गया, बना लो नियम शिवरात्रि से, बना लो, महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, मेरे ओगड़दानी मेरे शिव की कथा कर रही है कि विश्वास रखकर गलती ना करें, हमारे जीवन में हम गलतियां बहुत कर रहे हैं, हम मध्याह्न के बाद में स्नान अगर कर रहे हैं तो वो दुख है,
तकलीफ कष्ट। प्रातः के समय पर हजार घर में काम पड़े रहे, पहले सबसे पहले आप हजार काम पड़े हैं पहले स्नान करो, भले फिर काम में लग जाओ दूसरी बार फिर नहा लेना, पर पहला स्नान हो जाना चाहिए। महाराज हमारे यहां पर कहते हैं घर से जो भूखा जाता है पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, इसलिए घर से जोरदार निपटा के जाओ, भले थोड़ा बहुत खाकर जाओ पर घर से खाकर जाओ। अगर खाकर जाओगे भोजन करके जाओगे तो जिस जिस के यहाँ जाओगे वहां वहां पर खाने को जरूर मिलेगा, और भूखे चले गए ना भले तुम्हारे मामा जी ने काका जी ने बुआ जी ने मौसा जी ने मौसी जी ने चाचा जी ने चाची जी किसी के यहाँ भी चले जाओ खाने तक नहीं मिलेगा, नियम है। अब जाओ थोड़ा बहुत कुछ खा के जाओ आराम से पाकर जाइए, भूखे नहीं जाना। उसी तरह जैसे घर से भूखे चले गए तो कहीं भोजन नहीं मिलता, उसी तरह बिना रुद्राक्ष और बिना तुलसी के माला के अगर चले गए तो वहां बेकुंठ नहीं मिलता, वहां कोई फल नहीं प्राप्त हो गले में दाग। पद्म पुराण का पताल खंड अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 9 ये वर्णन कर रहा है कि हमें धारण करना। महाराज भगवान के पास में माया भी है, भगवान के पास में भक्ति भी है। माया आपको नचाएगी, भक्ति मेरे शंकर को नचाएगी। माता पार्वती जी ने भगवान शिव की भक्ति को धारण कराया, कितना बल है, कितना बल भक्ति में। पार्वती मैया ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, एक जगह पर बैठकर गुफा के अंदर माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर जी की आराधना कर रही हैं और शिव की आराधना में लगी हुई हैं। उस भक्ति का बल कितना प्रबल होगा कि पार्वती मैया बैठकर भजन कर रही हैं और शंकर भगवान का आसन डोल रहा है, शिव जी का आसन डोल रहा है। जब तुम शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर धतूरा चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, सच्ची श्रद्धा विश्वास भक्ति से चढ़ाते हो तो देवताओं का आसन भी डोलता है, देवलोक का आसन डोलता है। कोई नया काम का चालू कर रहे हो आप, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो आपकी, आपने बहुत एग्जाम दे ली, बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास अथक प्रयास आपने कर लिया, भगवान प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो या आपको तारीख मालूम पड़ जाए और उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो तो बेलपत्री संभागी बना, संभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का सीधा वाला भाग और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ लो महाराज, इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देव अधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र हो षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिवजी के सामने होता तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो उस मंदिर में जो भी चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा उस चरण के पास अपनी कामना कर रख दीजिए और थोड़ा सा मुंह हरा मुंह थोड़ा सा श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर कोई बैल हो तो उसको वो मुंह खिला दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा, जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको।
अच्छा शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय माँ कर रही है, शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही माँ, थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगवाओ, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको। फिर कल वाली बात आ गई, तुम समोसा खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, वो खाएगा उसके पेट में जाएगा, तुम भजन करोगे तुम्हें मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा, दान तुम करोगे तुम्हारे खाते में जाएगा, वो करेगा उसके खाते में जाएगा। मरने के बाद घर के बच्चे दान देते हैं, मरने के बाद तो पिता के लिए दिया गया, पत्नी के लिए दिया गया, पति के लिए दिया गया, तो अपने दादा परदादा के लिए दिया गया, कुटुंब कबीले के लिए दिया गया, वो दान जो तुम दे रहे हो उसके खाते में कितना गया, कितना प्राप्त हुआ? अरे जरा विचार तो करिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा कि वो धुंधकारी धुंधकारी के लिए तर्पण करा गया, तिलांजलि दी गई, गया जी का श्राद्ध करा गया, ब्रह्म कपाली करी गई, ब्राह्मण भोज कराए गए, भंडारा कराया गया। गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कितना कितना प्रयास किया, अथक प्रयास गोकर्ण ने कर दिया, तब भी धुंधकारी को मुक्ति मिली थी क्या? जम के बोलिए, नहीं मिली। जब नहीं मिली तब सूर्य नारायण भगवान के पास में गया और वहां जाकर कहा, प्रभु मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिल रही। सूर्य देवता ने कहा, तुमने क्या करा? मैंने पिंडदान करा, मैंने तर्पण करा, मैंने ये तिलांजलि दी, मैंने वो तिलांजलि दी, तो मैंने तो गया जी का पिंड भी दिया, और गया जी का पिंड दिया तो कम से कम उसको मुक्ति तो मिलना थी। फिर गया जी के पिंड के आखिर गया जी ने पिंड दिया जाता है तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा, अरे गोकर्ण तेरे भाई को मुक्ति तो मिल जाती, दिक्कत नहीं है, तूने गया जी ने जो पिंड दिया उससे मुक्ति तो मिल जाती, पर एक गलती हो गई, गया जी ने पिंड देते समय तूने धुंधकारी का नाम लिया, संकल्प देते समय उसके पिताजी का नाम लिया, उसकी माताजी का नाम लिया, और गोत्र तूने आत्मदेव का बोला, उसके पिता का गोत्र बोला, पर धुंधकारी आत्मदेव की बोला ठीक है, धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र था क्या? नहीं, धुंधकारी तो एक सखी की संतान थी, एक सहेली की संतान थी, जिसको वो पैसे से खरीद कर ले आई थी और लाकर कह दिया ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और उसका भरण पोषण पालन करने लगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, गया जी से मुक्ति मिल जाती, का बोलता? किसका? धुंधकारी की माता का पिता का गोत्र बोलता तब, पर गोत्र बोला गया आत्मदेव का। फिर भागवत सुनाई, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, एक जरा सी त्रुटि थी, जरा सी त्रुटि, और वो त्रुटि थोड़ी सी त्रुटि से वंचित हो गया वैकुंठ, वंचित हो गया भगवत भजन से, थोड़ी सी त्रुटि आई और वो दूर हट गया, नहीं तो कितना तर्पण तिलांजलि सब कुछ करा। तो आप जो मर गया, जो चले गया, उसके लिए जो दे रहे हो कितना मिला उसको? शिव महापुराण की कथा कहती है प्राप्त भी होता है, पर उसका कुछ भाग जो दान कर रहा होता है, जो सत्कर्म कर रहा होता है, उसके खाते में चला जाता है कुछ। उसके खाते में गया जरूर है, पर जिसने दान किया उसके खाते में गया, तो वो जो जीवात्मा गई है, जो चले गया, जो मर गया, उसके खाते में क्या था? शिव महापुराण की कथा, गरुण पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत, सारी कथाओं में नरकों का कथन आता है, उसमें वर्णन आता है कि जीते जी अगर तुमने किसी को दान दिया है, जीते जी भोजन कराया है, जीते जी किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, जीते जी कोई सत्कर्म करा है, तो वो तुम्हारा दान पुण्य धर्म तुम्हारा अटल है, फिर वो नष्ट नहीं हो सकता, तुम्हारे द्वारा जो किया गया, फिर भले मरकर चले गए वो अपनी। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा भाई।
खूब कमाओ, दिल से कमाओ, आपके शरीर की जितनी कैपेसिटी लगती है उससे ज्यादा कमाओ, पर अपने ऊपर खर्च भी करो, थोड़ा दान धर्म पुण्य भी करो। क्यों? ऊपर जब खाता खुलेगा तुम रोगे, चिल्लाओगे, मैंने अपनी पत्नी के लिए, मैंने अपने बच्चों के लिए कमाया था, मुझे अकेले को नरक क्यों भेजा? भगवान भी कहेगा दुकान पे बैठ के झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, तेरी पत्नी ने कभी किया था तुझसे कि तू झूठ बोल? इतने बैठे हो और जितने टीवी पर सुन रहे हो, कभी किसी पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम चोरी कर लाओ, बेईमानी कर लाओ, छल कर लाओ, किसी का गला दबा कर लाओ? कभी पत्नी बोली? बच्चों ने कहा पापा जाओ चोरी कर लाओ, जाओ कपट कर लाओ, बेईमानी कर लाओ, छल कर लाओ, चोरी तूने करी, बेईमानी तूने करी, कपट तूने करा, प्रपंच तूने करा, झूठ तूने बोला, एक का दो तूने करा, तो भोग भी तू ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, तुम तो चकाचक खजूर की चोटी बनाए रह रहे हो। भोगे वो, इसलिए निवेदन है धर्म पत्नियों से कि पति कैसी भी कमाई करके लाए, वो बेईमानी की लाए, छल की लाए, कपट की लाए, प्रपंच की लाए, झूठ बोलकर लाए, चाहे कैसे भी कमा कर लाएगा, लाएगा तुम्हारे पास में, घर में, जब वो कमाई करके लाए उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, कहीं शिव पुराण में, कहीं धर्म में, कहीं भागवत, कहीं संकीर्तन, कहीं सत्संग, कहीं यज्ञ, कहीं अनुष्ठान, कहीं भंडारा, कहीं भोजन जहां बन जाए, कहीं कुंवारी कन्याओं की शादियां, कोई विकलांग को किसी चीज की जरूरत है उसको प्रदान कर देना, पर किसी की शिक्षा की जरूरत हो उसमें लगा देना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसमें लगा देना, पर उसमें से कमाई में से थोड़ा थोड़ा निकालते रहना। क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है, अकेला ना भोगे, उसके भोगने में थोड़ी सी कमी धर्म पत्नी कर सकती है, दान पुण्य धर्म करकर। पर पत्नियां निकालती तो हैं अलमारी में से, पर साथ पेंटिंग पेंटिंग में लगाया, पर धर्म में नहीं लगा पाती, पेंटिंग पेंटिंग में लगा। धर्म में लगाने का अगर समय आ जाए ना तो 50 बार विचार करना पड़ता है, दू की नी दू अरे भाई राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल हुए। अरे चांदी सोने वालों सुन लो, हो चांदी सोने वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए भोले बाबा के दरबार में, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका ऐसा कोई बचा ही नहीं। दो प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा काम के हैं, बहुत ध्यान देना, ये दोनों होंगे। एक प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कहीं एडमिशन नहीं होगा, दूसरा प्रमाण पत्र नहीं होगा तो बैंक में पड़ा हुआ दंड नहीं मिलेगा। पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र, समझ आ गई है? ये दो प्रमाण पत्र अगर नहीं होंगे तो किसी काम का नहीं। हॉस्पिटल में अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र होना जम के बोले जरा जरूरी है, और मर गए तो सिद्ध करके मरो कि हम मर गए, उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। श्रीमान मोहनधारी जी, श्रीमान श्रीमान निपट, चार अगरबत्ती, एक माला, टेबल पे फोटो, अगरबत्ती भी आलू में खुशी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलता अगरबत्ती, घर
स्टैंड नहीं लगा, भूल गया, सामने वाली आंटी से आलू लिया कटवा के, आलू में चार अगरबत्ती, हाँ भूल गए, केले में भी लगा देते हैं, सही कहो। भगवान आप सबकी याददाश्त ऐसी बना के रखे, कम से कम याद तो दिला, क्या मृत्यु का समय है, अंतिम क्षण, कुछ नहीं है, सब भटक गया। पर जो शिव महापुराण की कथा आपने सुनी है, जो शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, जो तुमने दान धर्म पुण्य सत्कर्म किया है, वो आपके खाते में रखा, खत्म नहीं हुआ। शिव मंदिर में चढ़ाया हुआ एक लोटा पानी तुम्हारी अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ है, और ऊपर भी साथ देगा, जीवात्मा के साथ अंतिम क्षण तक। अंतिम क्षण कितनों को मिला है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, कितनी सुंदर बात लिखी है लिंग पुराण में। एक लोटा पानी जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो उसके हिस्से हो जाते हैं, एक भाग शिव के पास, दूसरा भाग गंगा के पास, तीसरा यमुना, चौथी सरयू, पांचवी मंदाकिनी, भारत की भूमि की जितनी नदियां हैं सारी नदियों में उसका भाग चले जाता है। शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी का भाग 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे पानी का भाग मृत्यु लोक में जो देव वृक्ष हैं, पीपल, आम, बड़, तुलसी, बेलपत्री, गुलर आदि आदि जो देव वृक्ष हैं, उनके खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का भाग आपके पितरों के खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी आपके पूर्वजों के आहुतों, जो गर्भ अवस्था में शांत हो गए, कुमारी अवस्था में मर गए, वो प्रेत योनि में जो पड़े हुए हैं उनको प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जो तुमने शिव जी पे चढ़ाया, उसका थोड़ा 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 भाग आपके सातित्वता में, आपके बच्चों की इनकम में, आपके बच्चों की विद्या में, आपके जीवन के वैभवों में, आपकी तरक्की में, उन्नति में उसका हिस्सा हो जाता है। मात्र एक लोटा पानी जो शिव जी पे तुमने चढ़ाया है, वो कितनी जगह बांटा गया है, जरा विचार तो करो। मात्र एक लोटा पानी सब दूर बढ़ गया। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं महाराज की भगवान की भक्ति का जो रस है वो साधारण, आप शिव भक्ति में जहां लगे हुए हो, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी, जहां बैठकर शिव आराधना कर रही हैं, एक तक लगाकर, एक स्मरण के साथ में, एक चित्तवृत्ति के साथ में, एक आनंद के साथ में, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नदर सन आपो। शिव आराधना करती है, भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव करुणा करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति में आनंद देने वाले, शिव पुराण कर रही है माता पार्वती जी, शंकर भगवान की शिवलिंग की आराधना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना। महाराज जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, आराधना करी, और आराधना करने पर जब शिव महापुराण कह रही है कि माता पार्वती जी ने जब शिव की आराधना करी है, तब भगवान शंकर का कैलाश डोल गया, भगवान शिव का कैलाश डोल गया, और भगवान शंकर का जब कैलाश डोला, स्वयं शिव पहुंचे हैं पार्वती जी के पास। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुमने जिस भाव और श्रद्धा से, विश्वास के साथ में जो शिव की आराधना करी है, शंकर का स्मरण करा है, शिव नाम का जाप किया है, उस विश्वास के बल पर, उस श्रद्धा के बल पर, उस भक्ति के बल पर तुम्हें मेरा दर्शन हो गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि आप जिस विश्वास के बल पर भगवान की आराधना करते हो, जिस विश्वास के बल पर आप शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान उसी विश्वास के बल पर आपको सुख प्रदान करते हैं, उसी विश्वास पर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसी विश्वास पर। देखो एक पत्र बड़ा सुंदर आया,
महाराज पत्र है नीरज जी विश्वकर्मा कहीं बैठे हैं आप ही हाथ उठाइए जरा हाँ खड़े हो जाओ आगे वाले को बिठा दो पहले आपने पत्र में लिखा है नीरज जी गुरुदेव और देखो पत्र में जो लिखा समर्पण कितना होगा शिव के प्रति उस समर्पण को इस बालक के द्वारा अपन समझे कि गुरुदेव शादी इंदौर से हूं मैं मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक 1 साल से मेरा और मेरी पत्नी में कुछ विवाद हुआ होगा ऐसा इसमें लिखा है गुरुदेव विवाद इतना बढ़ गया कि वो अदालत में पहुंच गया और तलाक की बात सामने सही है साहब फिर क्या हुआ तलाक की जब बात पहुंच गई कोर्ट में नोटिस वगैरह सब आ गया तारीख चलने पे लगी और तारीख पे तारीख चलती रही 30 जनवरी 2022 को मैं अकेला कुबेरेश्वर धाम सीहोर आया और मैंने भोले बाबा से अकेले बैठकर जैसे आप शिव महापुराण में कहते हो कि इस भूमि पर कहीं पर भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपने दिल की बात बाबा से कहो जाप के कर गए क्या हुआ फिर मैं 30 तारीख को बोला मैंने बाबा कि अगली बार मैं जब भी आऊँ कुबेरेश्वर धाम मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ हूँ तो मैं बोले बाबा कि मुझ पर ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैं 30 जनवरी को आया था फिर 13 तारीख को वापस मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ आया हर हर महादेव पत्नी आई है साथ में बाबू खुश हो बाबा की कृपा बस दोनों में प्रेम ऐसे ही रहे और बाबा आप लोगों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे हर हर महादेव बैठ जाइए बड़ा सुंदर भाव लिखा है गुरुदेव 30 तारीख को मैं आया था और मैंने बाबा से कहा था बाबा तलाक तक का केस पहुंच गया है पैसी पे पैसी चल रही है और बाबा अकेला आया हूं ऐसी कृपा कर देना कि हम दोनों जोड़े से आ जाएं देखो आपका विश्वास पक्का था ना नीरज विश्वकर्मा जी और आपकी धर्म पत्नी भी कहीं ना कहीं टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन रही होगी दोनों ने शंभू को रिझाया होगा तो मेरे बाबा ने मिला दिया ये शिव की कृपा शिव की आराधना महाराज जब तक मेरा बाबा कृपा नहीं करे और फिर कहूंगा यहाँ ना तो कोई बेल है ना यहाँ भभूति है ना यहाँ देवी आए ना देवता है यहाँ तो पूरे ग्राउंड में घूमकर देख लो ना कोई विद्या होए ना कोई हम मंत्र जाने ना साधना यहाँ तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो कहीं एकांत में बैठो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि मंदिर में जाकर दर्शन करोगे मंदिर में भगवान ही नहीं है अभी यहाँ तो मंदिर में भगवान ही नहीं है तो फिर भी लोग मंदिर में पहुंच पूछ जा दादा कई बच्चों ने आकर कहा कि गुरुजी वो मंदिर के अंदर खंबा कोई पूज रहा है हमने कहा पूजने दे ये भगवान का खंबा पूज रहे भगवान इनका भी खंबा मजबूत रखेगा क्या टेंशन इनके विश्वास तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करे और खंबे में भी शिव दिखता है तो सिंहर वाला महाराज क्या करे सिंहर वाला महाराज क्या करेगा सब में वही तो है अभी तुम देखो तो सर 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष उत्सव की जब यहाँ इस पावन प्रागंड में होगी और भक्त लोग जो आएंगे तो शंकर के ऐसे ऐसे गढ़ों के दर्शन होंगे तुम देखना तो सही तुम भी आंख में काजल माजल लगा के जरा जोरदार देख कुछ नहीं तो बस और टीवी पे भी आएगी ना 1 बजे से 4 बजे तक भले मूंछ वाला भैया कुछ भी बोले पर अपने नहीं छोड़ना अपन को कथा शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन एक पत्र और बहुत बड़ा है पढ़ा थोड़ा सही हो मोहिनी यशवंत सिंह ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़ से कहीं बैठे हैं क्या बैठे हो तो हाथ ला दो कहीं बैठे हैं नहीं उन्होंने बड़ा सुंदर पत्र लिखा हमारा गुरुदेव महाकाल बाबा के दर्शन कर
हम लोग उज्जैन से कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। जिस कार्य के लिए आए थे, कहीं बैठे हैं ये जिन्होंने पत्र लिखा है, जिस कार्य के लिए आए थे बाबा, बाबा ने वो कार्य पूर्ण कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम 13-2-2021 को पहले आए थे, उसके बाद बाबा ने कृपा करी तो 13-2-2022 को हम वापिस बाबा के दरबार पर होकर जा रहे हैं। ये पत्र में लिखा, जिस विवाह के लिए, नौकरी के लिए, जिस कार्य के लिए आए थे बाबा ने सब दे दिया। अब हम क्या बोले गुरुदेव, तो ये शिव पुराण कहती है आपका विश्वास। मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो बहता। यहाँ अगर आपका विश्वास है, और फिर कहूंगा जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये सोचकर मत आना कुबेरेश्वर धाम में कि यहाँ पर कोई मंदिर में मूर्ति विराजमान हो गई है, कोई स्थापना हो गई हो। यहाँ स्थापना नहीं हुई है, यहाँ तो कंकर शंकर है। इस पावन धरा पर जहाँ बैठकर तुम्हारा मन पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, भगवान शंकर की भक्ति करो, स्मरण करो और बाबा के भजन में डूबे, जैसे पार्वती मैया शिव की भक्ति में डूबी हुई। और क्या नहीं दिया मेरे भोले बाबा, स्वयं मेरे शंभु पार्वती के हो गए। जो शिवलिंग पर आराधना करता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, शंकर की पूजन करता है, शिव क्या ना दे देता है। साढ़े 11 लाख रुद्राक्ष बटना है, 11,51,000 पिछली बार बटे थे, 8,51,000 तो भी थोड़े कम पड़ गए थे। 11,51,000 रुद्राक्ष बटना है, रुद्राक्ष का ही शिवलिंग निर्मित होगा। जितने लोग दर्शन करने आते हैं वो एक लोटा पानी भरते जाएं, बाबा पर चढ़ाते जाएं, अपनी कामना करते जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जाओ। विद्वान ब्राह्मण तो अभिषेक कराएंगे ही, पूजन करेंगे ही, रुद्राक्ष जो शिवलिंग रोज बनेगा वही शिवलिंग का रुद्राक्ष आपको बाबा का प्रसाद में मिल जाएगा प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में भारी भड़का मजा और हमारी आफत करा, प्रतिदिन